अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे युग बदलेगा यही हमारा नारा है, सद्विचार घर घर पहुँचाए यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है, धरती स्वर्ग बनाएंगे ये शुभ संकल्प हमारा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना प्रभावशाली और बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य आज इतने संकट में क्यों है? क्यों हताशा और निराशा जैसे रोगों ने उसे अपने चंगुल में फंसा रखा है? इसकी मुख्य वजह है मनुष्य अपने मूल प्रकृति से भटक गया है। मॉडर्न मैकेनाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ने ढेर सारी सुविधाओं के साथ साथ तमाम तकलीफों को भी जन्म दिया है। यदि हम अपनी मूल प्रकृति में लौटना चाहते हैं तो योग इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शारीरिक मानसिक रोगों को दूर करने में योग एक प्रभावशाली साधन है। योग भारत की विश्व को एक अमूल्य देन है। वेदों, उपनिषदों, गीता एवं अन्य पौराणिक ग्रंथों में इसका वृहद वर्णन मिलता है। महर्षि पतंजलि प्रणीत पतंजलि योग सूत्र एक अनुपम कीर्ति है। तो आइए हम आपको बताते हैं बहुत ही सरल और उपयोगी साधन योग की क्रियाओं को प्रारंभ करने का। प्रारंभ करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज से। वार्म अप एक्सरसाइज हमारे ज्वाइंट्स और मसल्स को तैयार करते हैं योगा अभ्यास के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसका अभ्यास। दोनों पैर सीधे, शारीरिक स्थिति दंडासन की स्थिति में आएंगे, दोनों पंजों को बाहर की ओर खींच के रखेंगे, दोनों हथेलियां हिप से लगी हुई, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। प्रारंभ करेंगे पैरों की उंगलियों से, श्वास को लेते हुए दोनों पैरों की उंगलियों को पीछे की ओर खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को आगे की ओर खींचेंगे। लगातार श्वास प्रश्वास की गति के साथ इस क्रिया को करते रहेंगे। शरीर की स्थिति के अनुसार थोड़े से आराम के लिए यदि आप चाहें तो दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रख सकते हैं, पर ध्यान रखें आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। दोनों पैरों की उंगलियों के जोड़ों पर अभी हमारी क्रिया हो रही है, जो कि जोड़ों में उत्पन्न हुआ विकार टॉक्सिक मैटर को रिड्यूस करता है और यहाँ की स्टिफनेस को कम करता है। इसी के साथ आगे के क्रम में प्रारंभ करेंगे एंकल मूवमेंट। इसी तरह की क्रिया एंकल जॉइंट से दोनों पंजों को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पंजों को आगे की तरफ ले जाएंगे, श्वास को लेते हुए दोनों पंजों को पीछे की ओर खिंचाव देंगे। एंकल मूवमेंट, इसी क्रिया को आगे की तरफ बढ़ाते हुए एंकल मूवमेंट से चक्र में आएंगे, दोनों पैरों को एक साथ घुमाएंगे दाएं से बाएं की ओर, श्वास प्रश्वास की गति को बनाए रखेंगे, पंजों को आगे की तरफ ले जाते हुए श्वास ले छोड़ेंगे, पीछे की ओर लाते हुए श्वास लेंगे। विपरीत क्रम में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, ध्यान रखेंगे आपके दोनों पंजे मिले रहेंगे, खिंचाव को महसूस करें। ये क्रिया एंकल जॉइंट में स्टोर टॉक्सिक मैटर को कम करता है, रिड्यूस करता है, वहाँ के विकार स्टिफनेस कम करता है। रिलीज,
रिलैक्स। उसके पश्चात पूर्व स्थिति में आएंगे, पुनः दोनों पैरों को मिलाएंगे, दंडासन की स्थिति, दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें, आराम की स्थिति में आएं। इससे आगे के क्रम में बढ़ेंगे, करेंगे जानु नमन, दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के नीचे इस प्रकार से ग्रिप करेंगे, घुटने के नीचे थाइस से लगा के श्वास घुटने को मोड़ेंगे, धीरे धीरे पैर को पीछे की ओर लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैर पीछे आएगा, श्वास को लेते हुए पैर सीधा आगे की ओर जाएगा। ध्यान रखेंगे जब आप पैर आगे ला रहे हैं तो आपकी एड़ी ज़मीन से ऊपर रहेगी। इसी क्रम में लगातार इस क्रिया को करते रहें। ध्यान देंगे पैरों की उंगलियां, उसके बाद एंकल जॉइंट, उसके बाद नी जॉइंट की क्रिया हम कर रहे हैं। धीरे धीरे नीचे से ऊपर के अंगों को प्रभावित कर रहा है ये वार्म अप एक्सरसाइज। श्वास को छोड़ते हुए पैर भीतर की ओर, श्वास लेते हुए पैर सामने की ओर। ध्यान रखें आपके दोनों हाथ आपके पैर को गति देने में सहायता कर रहे हैं। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। क्षमता अनुसार करने का प्रयास करें। नी जॉइंट में जो टॉक्सिक मैटर स्टोर होता है, जिसकी वजह से वहाँ के विकार, दर्द, सूजन, जलन होती है, उसको रिड्यूस करता है ये वार्म अप एक्सरसाइज। रिलैक्स। इसी प्रकार की क्रिया दूसरे पैर से प्रारंभ करेंगे। लगातार इस प्रक्रिया को इसी क्रम में करते रहेंगे। शारीरिक स्थिति का ध्यान रखेंगे। रिलैक्स, रिलीज, आराम की स्थिति। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप लेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को पीछे रखते हुए सांस प्रश्वास को सामान्य करते हुए गर्दन को एक साइड झुकाएंगे, आंखें बंद। सामान्य करें श्वास प्रश्वास की गति को। आराम की स्थिति में आप अपने शरीर की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, दोनों पैरों की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। जो तनाव, जो खिंचाव आपके शरीर में, दोनों पैरों में आपको महसूस हो रहा है, उस अंग को, जिस भी अंग में आपके खिंचाव हो रहा है, उसे ढीला छोड़ेंगे। आसनों के क्रम में आज हम आपको बताते हैं धनुरासन। ये धनुरासन हमारे एब्डोमिनल रीजन और चेस्ट रीजन से संबंधित रोगों के लिए विशेष लाभकारी होता है। इस क्रिया के लिए सर्वप्रथम हम लेटेंगे पेट के बल। धनुरासन के लिए हम शारीरिक स्थिति लेंगे। हमारा पेट, चेस्ट जमीन से लगी रहेगी, माथा जमीन से लगा रहेगा, दोनों हाथ की हथेलियाँ दोनों पैरों से लगी रहेंगी। सबसे पहले माथा को ऊपर उठाते हुए अपने चिन जमीन से लगाएंगे, धीरे से दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर मोड़ेंगे, हमारी एड़ियाँ हमारे हिप्स को टच करेंगी, दोनों हाथों की सहायता से एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे, धीरे से दोनों पैरों की सहायता से, हाथों की सहायता से शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। क्षमता अनुसार खींचने के पश्चात पुनः पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। इसी क्रम में धनुरासन का अगला अभ्यास पूर्ण धनुरासन। धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ की हथेलियों से अंगूठों पर ग्रिप करेंगे, कोहनियों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास।
क्षमता अनुसार रुकने के पश्चात धीरे धीरे विपरीत क्रम में पूर्व स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाते हुए धीरे से दोनों हाथों से ग्रिप को छोड़ेंगे। वापस धनुरासन का तीसरा सरल अभ्यास, सरल धनुरासन। धीरे से चिन माथे को ऊपर उठाते हुए चिन को जमीन से लगाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों हाथों से एंकल जॉइंट में ग्रिप करेंगे। टखने को पकड़ते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। ध्यान रहे आपके घुटने जमीन से लगे रहेंगे। इसके विपरीत क्रम में धीरे धीरे वापस दोनों हाथों की ग्रिप छोड़ेंगे। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। धीरे से माथा जमीन पर। शशांक आसन की स्थिति में शरीर को आराम देंगे। दोनों हाथों की सहायता से घुटनों को मोड़ते हुए पूरे शरीर को पीछे की तरफ ले जाएं। शशांक यानी खरगोश। खरगोश की आकृति के कारण इसको शशांक आसन कहते हैं। श्वास प्रश्वास को सामान्य करेंगे। धीरे से वापस धनुरासन हमारे स्टमक रीजन और चेस्ट रीजन से संबंधित रोगों को दूर करने में सार्थक है। इसमें पेट से संबंधित रोग जैसे कॉन्स्टिपेशंस, इंडाइजेशंस और एसिडिटी जैसे रोगों के लिए विशेष लाभकारी है। साथ ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड को लचीला बनाता है और पीठ से संबंधित मांसपेशियों को भी लचीला बनाता है, पीठ की अकड़न को दूर करता है। इसी के साथ कुछ सावधानियां भी हमें रखनी पड़ती हैं कि जैसे पेप्टिक अल्सर, हर्निया और हार्ट डिजीज से संबंधित रोगी इसको नहीं करते हैं। यदि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को डायबिटीज है तो क्या आप जानते हैं कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है? यदि सही समय पर इसका समुचित इलाज न कराया गया तो व्यक्ति का हार्ट फेल, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज या यहाँ तक कि मृत्यु तक भी हो सकती है। और यदि इस विषय में आपने सावधानी नहीं बरती तो यह बीमारी आपको भी हो सकती है। सबसे पहले तो हम यह जानें कि इस रोग के लक्षण क्या हैं। अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना, जल्दी थकना, जल्दी जल्दी पेशाब जाना, पसीना आना, इसके अलावे पेशाब में चींटियाँ लगना, घाव का देर से भरना आदि ऐसे लक्षण हैं जिससे यह रोग पहचाना जा सकता है। मूलतः डायबिटीज दो तरह के होते हैं, जुवेनाइल जो बच्चों में होता है और मैच्योरिटी ऑनसेट जो वयस्कों में देखा जाता है। बच्चों और वयस्कों में इसके होने की अलग अलग वजह हैं। बच्चों में डायबिटीज के होने की वजह ज़्यादातर हेरिडिटी यानी कि वंशानुगत होती है, पर वयस्कों में अनियमित खानपान, अकर्मण्य जीवन शैली, तनावयुक्त मानसिकता आदि इसके मुख्य कारण हैं। आइए डायबिटीज के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। हमारे शरीर में आमाशय के नीचे बड़ी आंत के ऊपर एक चपटी हल्की पीले रंग की ग्रंथि होती है जिसका एक सिरा स्प्लीन के करीब होता है तथा दूसरा भाग ड्यूडेनम यानी कि छोटी आंत के पहले हिस्से से लगा होता है। यह ग्रंथि पेनक्रियाज कहलाता है जो कई तरह के डाइजेस्टिव इंजाइम्स तथा हॉर्मोन्स का स्राव करता है। इसमें से एक प्रमुख रसायन है इंसुलिन, जो हमारे शरीर में रक्त के अंदर की शर्करा को नियंत्रित रखता है। वस्तुतः यह हॉर्मोन भोजन के माध्यम से रक्त तक पहुँचे ग्लूकोज को इस योग्य बनाता है जिससे हमारी कोशिकाएं आसानी से इसे ग्रहण कर सकें। इंसुलिन की कमी से कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुँचने की बजाय रक्त में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है जिसे हम लोग ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। ऐसा तब होता है जब पेनक्रियाज के बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन का निर्माण करते हैं या तो एग्जर्ट हो जाते हैं या डिजेनरेट हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम बाहर से इंसुलिन के डोज लेना शुरू करते हैं। योग का अभ्यास शरीर में ऊपर से इंसुलिन के डोज लेने के बजाय पेनक्रियाज को ही स्वस्थ करने का प्रयास करता है जिससे कि बीटा सेल्स फिर से जीवंत होकर कार्य करना प्रारंभ कर दें और हमारे ब्लड में
ग्लूकोज की मात्रा को कम कर दें। इसके लिए हम कुछ ऐसे अभ्यासों का चयन करते हैं जिससे समग्र लाभ प्राप्त हो सके। पहले शोधन क्रियाएं की जानी चाहिए जो कि अत्यंत उपयोगी हैं, जैसे लघु संघ प्रक्षालन, कुंजल, नेति तथा कपालभाति आदि। इनमें से जो संभव हो उससे शुरुआत करें। लघु संघ प्रक्षालन आदि कुछ ऐसे कठिन अभ्यास हैं जिन्हें पहले दिन से नहीं किया जा सकता, इसलिए कुछ दिनों तक आसन आदि के अभ्यास से शरीर को पहले सबल बनाने का प्रयास करें। आसनों में पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, हलासन, मंडूकासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन आदि ऐसे अभ्यास हैं जो कठिन तो हैं पर बहुत ही उपयोगी हैं। यदि ये अभ्यास प्रारंभ में न बन सके तो शशांकासन, भुजंगासन, वज्रासन तथा वक्रासन आदि से भी योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं। आसन के अभ्यास के बाद प्राणायाम का अभ्यास उपयोगी ही नहीं आवश्यक भी है। यूँ तो भस्त्रिका एवं सूर्य भेदन आदि ऐसे प्राणायाम हैं जो काफ़ी लाभदायक हैं, लेकिन इनके शुरुआत भी कुछ दिनों के अन्य प्राणायामों के अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। यदि आप उच्च रक्तचाप या हृदय रोग आदि से ग्रस्त हैं तो कुंभक यानी कि श्वास को रोकने वाले अभ्यास न करें, वरना यह खतरनाक हो सकता है। नाड़ी शोधन एवं अनुलोम विलोम ऐसे प्राणायाम हैं जो कि सटीक अभ्यास कहे जा सकते हैं। इनके लाभ तो हैं पर साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा ध्यान एवं योग निद्रा भी डायबिटीज के रोगियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके बारे में हम आगे के एपिसोड में आपको बताते रहेंगे। आज हम अभ्यास करते हैं श्वासों की गति का। सामान्य क्रम में हम कैसी श्वास लेते हैं और कैसी श्वास हमें लेनी चाहिए, इसके प्रति अपनी सजगता को थोड़ा बढ़ाएंगे। प्रयास करेंगे यौगिक ब्रीदिंग का। उससे पहले हम प्रयास करेंगे श्वास को तीन भागों में बांट के अलग अलग भाग को कैसे हम श्वासों में इन्वॉल्व करते हैं, इसके प्रति अपनी सजगता को बनाएंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग और क्लेविकुलर ब्रीदिंग का पहले प्रयास करते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में जब हम श्वास को भीतर की ओर लेते हैं तो हमारा पेट बाहर की ओर आता है और श्वास को छोड़ने के साथ साथ पेट भीतर की ओर जाता है। थोरैसिक ब्रीदिंग में जब हम श्वास को भीतर की ओर लेते हैं तो हमारा चेस्ट रीजन बाहर की ओर आता है, श्वास को छोड़ने के साथ साथ चेस्ट रीजन भीतर की ओर जाता है। क्लेविकुलर ब्रीदिंग में लंग्स के ऊपरी भाग को श्वासों से भरने के पश्चात बाहर निकालते हैं। जब इन तीनों रीजन के श्वास की प्रक्रिया को हम एक साथ करते हैं तो इसे यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं। यौगिक ब्रीदिंग में पहले हम श्वास को एब्डोमिनल रीजन तक भरते हैं, उसके बाद थोरैसिक रीजन, फिर क्लेविकुलर रीजन। जब श्वास को छोड़ेंगे तो पहले क्लेविकुलर रीजन से, फिर थोरैसिक रीजन से और अंत में एब्डोमिनल रीजन से श्वास को बाहर की ओर निकाला जाता है। इस प्रकार हमारे फेफड़े पूर्ण रूप से इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, श्वसन प्रक्रिया पहले से बेहतर होती है। आइए प्रारंभ करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं, अन्यथा सहज स्थिति में, सुखासन की स्थिति में भी आप बैठ के इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, पर ध्यान रहे आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और एकाग्रता श्वास प्रश्वास की गति पर ही रखें। श्वास को भीतर लेने के साथ पेट को बाहर की ओर फुलाएं। श्वास को छोड़ने के साथ पेट भीतर की ओर जाएगा।
तीन से पांच बार उदर श्वसन यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग के पश्चात शांत बैठें, सहज करें श्वास प्रश्वास को, विश्राम दें एब्डोमिनल रीजन को, श्वास प्रश्वास सामान्य होने के पश्चात प्रारंभ करेंगे थोरैसिक ब्रीदिंग। श्वास लेने के साथ थोरैसिक रीजन बाहर की ओर, श्वास छोड़ने के साथ थोरैसिक रीजन भीतर की ओर। तीन से पांच बार तक थोरैसिक ब्रीदिंग करने के पश्चात सामान्य करें श्वास प्रश्वास को, आँखों को बंद करके विश्राम करें, ढीला छोड़ें कंधों की मांसपेशियों को, कमर की मांसपेशियों को, चेहरे की मांसपेशियों को, पूर्ण विश्राम। जब आपकी श्वास प्रश्वास सामान्य हो जाए, इसके बाद अगला क्रम प्रारंभ करेंगे क्लेविकुलर ब्रीदिंग। लंग्स के ऊपरी भाग तक श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं क्लेविकुलर ब्रीदिंग। आंखें बंद, श्वास भीतर, तीन से पांच बार दोहराने के पश्चात शांत बैठें, सामान्य करें श्वास प्रश्वास की गति को और तैयार करें स्वयं को यौगिक श्वसन के लिए। पूर्ण सजगता बनाए रखें अपनी श्वास प्रश्वास की गति पर, किस प्रकार आपके शरीर के किस भाग में श्वास जा रही है आ रही है, उसके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। ध्यान रहे आपकी कमर सीधी रहेगी। यदि आपको आसन में स्थिरता पूर्वक बैठने में तकलीफ हो तो आप अपना आसन बदल भी सकते हैं। शारीरिक स्थिति लेने के पश्चात आइए प्रारंभ करें यौगिक श्वसन। सबसे पहले एब्डोमिनल रीजन में श्वास को भरेंगे, उसके बाद थोरैसिक रीजन, उसके पश्चात क्लेविकुलर रीजन। श्वास को छोड़ते हुए विपरीत क्रम से श्वास को छोड़ेंगे, पहले ऊपरी भाग से, फिर मध्य भाग से, फिर निचले भाग से श्वास को बाहर निकालेंगे। आइए प्रारंभ करें।
3 से 5 बार क्रिया को दोहराने के पश्चात शांत बैठें। सामान्य करें श्वास प्रश्वास को, शिथिल करें शरीर, कमर सीधी, शरीर ढीला। श्वास प्रश्वास की गति के पश्चात जो भी परिवर्तन आपको अपने शरीर में लग रहा है उसके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। विश्राम दें, शरीर के अंगों को श्वसन क्रिया में जो भी अंग आपके इन्वॉल्व हुए हैं, जिनकी क्रियाविधि बढ़ी है, उसको सामान्य करने का प्रयास करें। विश्राम दें भीतर के समस्त अंगों को। जो शांति की अनुभूति आपको अपनी क्रिया के माध्यम से हुई है उसके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। जो खालीपन क्रिया के पश्चात आपको लग रहा है उसके प्रति सजग रहें। विचार शून्य स्थिति, शांत भाव, क्रिया रहित स्थिति। केवल देखें भीतर के परिवर्तन को पूर्ण सजगता के साथ। पूर्ण विश्राम की स्थिति के पश्चात धीरे से आंखों को खोलेंगे। कहा जाता है जीवन पल दो पल का मेला है। कुछ विरले ऐसे होते हैं जो इन्हीं पल दो पलों के जीवन को कुछ इस तरह जी जाते हैं कि उनका यही जीवन लोगों के लिए युगों युगों तक प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। कुछ अराजकता और अमानवीयता का ऐसा घोर तांडव मचाते हैं कि उनका जीवन धरती के लिए भारभूत हो जाता है। पर ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए ही गुमनामी के अंधेरों में सारी जिंदगी तमाम कर डालते हैं। चाहे जैसे भी जी लें पर मानव जीवन है बड़ा अनमोल। इसीलिए वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जीवन को प्रत्यक्ष देवता की उपाधि दी। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य इस छोटे से जीवन को ठीक तरह से साथ ले तो इसी एक जीवन में नर से नारायण बन सकता है। तो इस पल दो पल के जीवन को किस तरह उत्कृष्ट और परिष्कृत बनाया जा सकता है, आइए इसी संदर्भ में सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी को। आज की सारी समस्याएं, चाहे वो भोगवाद से जन्मी हो, चाहे वो हमारे जीवन में तरह तरह के सुख साधन आ गए हैं उनसे जन्मी हो, चाहे ये ग्लोबल वार्मिंग से जन्मी हो, पर्यावरण का प्रदूषण, तपती हुई गर्मी, तपती हुई धूप, तपती हुई धरती, सूखते हुए स्रोत, पानी समाप्त होता चला जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर जिसको कहा जाता है, जिससे हम पानी पी सकें, ऐसा पानी लगभग 70% लोगों को मैसर नहीं, उपलब्ध नहीं, पीने के पानी का अभाव। इसके अलावा देखें तो मौसम की प्रतिकूलता, जब चाहें तब तेज गर्मी, जब चाहें तब ओले, जब चाहें तब बारिश, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती, बाकी पूरे साल में कभी भी बारिश हो जाती है। खड़ी हुई फसल लगी हुई है मैदान में, हमारे खेतीहर किसान की मेहनत करता है और जब देखता है कि खड़ी हुई फसल काटने में भी 15 दिन का समय, उसी भी मौसम बिगड़ता है, ओले आते हैं, बर्बाद कर देते हैं उसकी खेती, महंगाई बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी बहनों पर पड़ता है। जवाब उन्हीं को देना है, पतिदेव उतना ही पॉकेट लाते हैं जितना पैसा उनके पास है, सारी व्यवस्था जुटानी बहन को ही है, तो बहनों को समस्या आती है, परेशानी आती है। संसाधन सूखते चले जा रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल है, कब तक है आखिर,
अभी अभी जनरेटर चल रहा है, अभी जनरेटर से बिजली मिल रही है आपको। जब डीजल समाप्त हो जाएगा दुनिया में तो फिर क्या बचेगा? पावर प्रोडक्शन कम होता चला जा रहा है, धरती और गर्म होती जा रही है। ऐसे कहते हैं कि जो चीज़ 2050 में होनी चाहिए थी वो 2015 में होने की संभावना व्यक्त की गई, पर 2015 में जो होने जा रही थी वो 2008-2009 में देखने को मिल रही है, उसकी पूरी झलक देखने को मिल रही है। पर्यावरण का संकट, प्रदूषण का संकट, इसके साथ साथ और भी संकट जो हमारे जीवन में आए हैं। पारिवारिक जीवन में मूल्यों का ह्रास हुआ है, फैमिली वैल्यूज़ बड़ी तेज़ी से गिरी हैं। हमारे बच्चे बड़े संस्कारवान हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। व्यक्ति परिवार से जुड़ा आदमी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है कि हमारे बच्चे संस्कारवान हैं, पर अगर आम दुनिया में जाइए आप देखिए तो आपको मिलेगा कि आज की जो पीढ़ी है वो अपने माँ बाप को देखती है, माँ बाप को रोल मॉडल मानती है, आदर्श मानती है। और जब माँ बाप को झगड़ते देखती है तो उसके दिमाग मन में सश्रद्धा नहीं पैदा होती, सीखते नहीं फिर उनसे, फिर कहाँ से सीखते हैं? साथियों से सीखते हैं। ड्रग्स की समस्या आती है, भटकाव आता है, बेरोजगारी आती है, और उसमें फिर भटकाव एक बार आ गया, किशोरावस्था में जो बसंती फूल मुस्कान लेने वाला था वो जब गड़बड़ा जाता है तो फिर मुरझा जाता है। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीवन का वसंत आता है, और जीवन का वसंत आता है तो सारी ऊर्जा शिखर पर होती है, हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी इस प्रेजेंट एट द टाइम, अंदर काम करने के अनंत सामर्थ्य। उस समय उनको कौन मार्गदर्शन देगा? क्या लड़ते झगड़ते माता पिता? क्या 360 चैनल दिखाने वाला वो टेलीविज़न जो हर तरह की गंदगी दिखाता है? क्या उनको मार्गदर्शन देंगे हमारे पोर्नोग्राफी का नेटवर्क सिखाने वाले इंटरनेट? या आज तरह तरह का साहित्य उपलब्ध है उसमें गंदगी फैलाने वाला साहित्य, मैगजीन्स जिनके पन्ने खोलें तो आपको गंदगी दिखाई पड़ती है, नारी का वो स्वरूप दिखाई पड़ता है जिस स्वरूप की आप कभी कल्पना अपनी बहन और अपनी माँ के बारे में नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, मैं विदेश जाता रहता हूँ, बाहर गया हूँ, सब जगह देख के आया हूँ, वहाँ एक अलग पत्रिकाओं का स्वरूप है जो गंदी पत्रिकाएं हैं, उनको कह सकते हैं पोर्नोग्राफिक मैगजीन, वो आम जनता के बीच में नहीं जाती है। परंतु जो अभी जैसे सिंगापुर होता हुआ मैं ऑकलैंड गया, ऑकलैंड से मैं वेलिंगटन गया, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया के 3-4 शहरों में होके आया, मैंने देखा कि वहाँ जो आम पेपर है, आम पेपर में कहीं आपको गंदे फोटोग्राफ नहीं मिलेंगे। और आप अपने का पेपर उठा लीजिए, मैं किसी का नाम क्या लूँ, यहाँ से प्रकाशित होने वाले दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, सबके वीकली एडिशन देख लीजिए आप इनके, या इनके जो सप्लीमेंट हैं वो देख लीजिए, उनमें आने वाले फोटोग्राफ क्या आप अपनी माँ और बहन के साथ देखने फोटोग्राफ देखना चाहेंगे? आखिर किसके लिए है ये सब? इन सब को देख के बच्चे का मन बिगड़ता है, बच्चे का तो छोड़िए बड़ों का मन बिगड़ता है। जो 60 साल की उम्र पार करके 50 साल की उम्र पार कर उनके दिमाग में खराबी आती है, और हमारे घर में हमारी बच्ची के साथ, हमारे बच्चे के साथ एक दुराचार की प्रक्रिया चालू हो जाती है। 98% अपराध हमारे घर में होते हैं इस सारे के साथ। दुखों के जो कारण हैं वो कारण गिना रहा हूँ मैं आपको, समस्त समस्याओं में कई समस्याएं बता रहा हूँ कि उन समस्याओं में एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे सामने सारा का सारा बहिरंग जगत का स्वरूप है, पर मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्या देखना क्या नहीं देखना। मार्गदर्शन किसी ज़माने में आचार्य देवो भव, पहले माता मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, आचार्य ने शिक्षक जो मार्गदर्शन देता था। मातृदेवो भव और पितृदेवो भव, पितृदेव मातृदेव के पास टाइम नहीं है आज, सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं, कमाते हैं, लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है, मकान खड़ा करना है, खड़ा कर दिया है तो उसका पेमेंट करना है, कई किस्तों में लोन दिया जा रहा है तो क्रेडिट कार्ड चल रहा है, कार खरीद ली है, साधन नहीं थे और सीमा नहीं थी परंतु उसके बावजूद भी कुछ खरीद लिया गया। इन सब चीज़ों के लिए माँ बाप पूरी शक्ति लगा देते हैं, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते, और परस्पर एक दूसरे के साथ जब झगड़ते हैं तो बच्चे उसको खुलेआम उस दृश्य को देखते हैं, और उसके बाद इतना भी समय नहीं दे पाता कि अपने बड़े अपने माता पिता यानी बच्चों के दादाजी दादी जी के लिए समय निकाल सकें, तो उनको गाँव भेज देते हैं, ओल्ड एज होम भेज देते हैं, या दो भाइयों में कंपटीशन होने लगती है, थोड़े दिन तू रख, थोड़े दिन मैं रखूँगा, थोड़े दिन तू रख। तो माँ बाप सोचते हैं कि जब
हमारी जरूरत थी तब तो इन्होंने खूब हमसे सेवा ली, हमने भी खूब काम किया, अपने बच्चों के लिए प्यार किया। पर जब हमारी सेवा का वक्त आया तो ये कहते हैं कि मैं नहीं रखूँगा। क्यों? दादी की खांसी से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। दादी की खांसी, जो माँ है उसकी खांसी से बहू की, बहू रानी की नींद डिस्टर्ब होती है। आज ओल्ड एज होम खुलते जा रहे हैं जगह जगह, कई ओल्ड एज होम का उद्घाटन मैं करके आया बड़े अफसोस के साथ। बड़े अफसोस के साथ इसलिए कि ये देश जो है ये संयुक्त कुटुंब परंपरा वाला देश है, जॉइंट फैमिली। दादाजी बेटे को आशीर्वाद देते हैं, मेरे पिताजी करीब करीब 82-84 साल के हैं, मेरे बेटे की बेटी के साथ वो खेलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो बालक खेल रहे हो। मेरे पिता भी बालक और मेरी जो नोन पोती है जो 4 साल की हो गई है वो भी बालक, दोनों खेल रहे हैं और निष्प्रभ भाव से, सरल भाव से खेल रहे हैं। वो कहाँ चला गया वो ज़माना जिसमें कि सब साथ साथ रहते थे, सब अकेले रहते हैं। आज का सबसे बड़ा संकट अकेलापन, लोनलीनेस। अकेलापन ने जितना कष्ट दिया है, अकेलेपन ने जितना डिप्रेशन लाया है, अकेलेपन ने जितने मनोशारीरिक रोग पैदा किए हैं उतने किसी ने नहीं पैदा किए। अकेला, इतनी बड़ी नगरी महानगरी और उसमें आप अकेले हैं। अरे भाई इतने लोग हैं, काम करो, समाज का काम करो, समाज से जुड़ो। गायत्री परिवार ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके बहनों को, भाइयों को मौका दिया कि आप इस पर काम करें। कम से कम सप्ताह में 2-3 दिन तो ऐसे मिलते हैं जब आप सबके साथ होते हैं। सोशलाइजेशन इज़ अवर बेसिक इंस्टिंक्ट। समाजीकरण, समाज के साथ चलना, ये हमारी एक मूलभूत परंपरा है, मूलभूत प्रणाली है। और न जाने क्यों हम समाज से कट गए और समाज से कटकर दिन में किट्टी पार्टी, शाम को हमारी सैटरडे संडे की पार्टी, और पार्टी में आप शराब चलती है, आप देखते हैं किस तरह से आज की आधुनिक जगत का जो स्वरूप हो गया है वो बड़ा विकृत हो गया, भोगवादी स्वरूप। और इन्हीं से सारी समस्याएं पैदा हो, इनसे बीमारियाँ आती हैं, इनसे मन बेचैन होता है, मन अशांत होता है। और सबसे बड़ी बीमारी आज के युग की बीमारी तनाव, तनाव जो है आज के युग का सबसे बड़ा संकट है, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। और स्ट्रेस में आदमी की एफिशिएंसी, दक्षता, काम करने की क्षमता वो कम होती चली जाती है। ये एक रिसर्च है जो हम लोगों ने भी कंडक्ट की और पूरे विश्व में कंडक्ट हो रही है। जितना आदमी तनाव में जिएगा उसकी काम करने की क्षमता कम होती है, पर तनाव को रचनात्मक बनाया जा सकता है। यदि वो तनाव घातक नहीं है तो वो आपको ऊर्जा दे सकता है और ऊर्जा देकर आपसे अनंत गुना काम करा सकता है, आपसे आपके समय को स्ट्रेच करके आपसे कई गुना काम करा सकता है। हम भी काम करते हैं, 18 से लेकर 20 घंटे काम करते हैं अपने गुरु की तरह से, पर हमें तो कभी तनाव नहीं आया। काम करते करते आनंद आता है, जब तनाव रचनात्मक बन जाता है तो काम करते करते आनंद आने लगता है। जब तनाव घातक बन जाता है तो हमारे जीवनी शक्ति के सारे सोर्सेस को सुखा देता है, हमारी जीवनी शक्ति के सारे सारे केंद्र सूखने लगते हैं और हम डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। आज क्या हो रहा है, आज के मनोशारीरिक रोग, उनमें आप देख लीजिए ब्लड प्रेशर, जॉइंट डिसऑर्डर्स, डिस्क प्रोलेप्स, बैकएक, ब्रोंकियल अस्थमा, दमा जिसको बोलते हैं, डायबिटीज़, मधुमेह, जितनी प्रकार की बीमारियां आप गिन सकते हैं उतनी प्रकार की सारी बीमारियां, थायराइड, ये सारी तनाव के कारण। तनाव को यदि आप धीरे धीरे करके मर्ज कर दें, तनाव को ध्यान के माध्यम से, तनाव को विभिन्न प्रकार से समाज के साथ एक होकर के, समाज के साथ मिलकर के काम करने वाले स्वरूप बना लें, तो आपका तनाव आपके लिए रचनात्मक बन जाएगा और आपको शक्ति देगा। पर आज की सबसे घातक बीमारी क्या है, अकेलापन, और अकेलापन से जना तनाव। ये जो तनाव है इसको निकालने का, इसको मिटाने का एक ही तरीका है मित्रों, कि हम अपने जीवन को जानें। आज का जो सबसे बड़ा दुखों का जो सबसे बड़ा कारण है, समस्याओं का जो कारण है, वो अज्ञान, अज्ञान बस केवल एक। अगर कोई एक शब्द में लाके कहे तो क्या है, अपने आप के बारे में जानकारी का अभाव। आपको ये जानकारी ना होगा हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग राइटली, जीवन जीने की कला। परम पूज्य गुरुदेव ने आज से करीब 60 साल पहले इस वर्ड को दिया, जीवन जीने की कला ही अध्यात्म है। अध्यात्म यदि जीवन में आ गया तो आपको अज्ञान से लड़ना आ जाएगा। आज पढ़े लिखे लोग खूब पैसा कमाते हैं, अच्छी अच्छी खासी तनख्वाह है, वो हमारे पास आते हैं, जब हम और जी बैठते हैं मिलने के लिए तो आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब काम नहीं चल रहा घर में, 40,000 तनख्वाह मिलती है पर कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। 40,000 तनख्वाह में से 30,000 तो लोन में खर्च हो जाते हैं, अब 10,000 में कैसे बजट बने आप बताइए।
लोन लेने के लिए हमने कहा था आपसे, हमने कहा था कर्जा लो, जितनी आपकी परिस्थितियां हैं उतनी ही आप अपनी चादर के हिसाब से अपने पैर फैलाएं। गुरुदेव ने कहा है प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं, आवश्यकताएं कम करें या परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। गीता कहती है यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो जितना मिलता है उसमें संतोष कर ले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जथा लाभ मम जथा लाभ संतोष, जितना तुमको मिले उसमें संतोष कर लो बस, ज्यादा नहीं। पर आज क्या है, कंपटीशन हो गई है, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, उसके पास बड़ी कार क्यों, मेरे पास छोटी कार क्यों, उसके ये अज्ञान है। मैं अज्ञान की बात बता रहा हूँ, ये सब अज्ञानी लोग हैं, कंपटीशन है। आदमी अज्ञानी है, अज्ञानी होने के कारण अभाव को जन्म देता है, अज्ञानी होने के कारण असंयम को जन्म देता है, खाने पीने में असंयम, हर चीज़ में असंयम, और हम अपनी शक्ति को छूच करते चले जाते हैं, वाइटिलिटी को खत्म करते चले जाते हैं, खाने पीने में असंयम, बोल चाल में असंयम, जो मन में आए बोल देते हैं, संबंधों को बिगाड़ लेते हैं, विचारों में असंयम, अनगढ़ विचार हमारे जीवन में आने लगते हैं, और पैसे के मामले में सबसे ज़्यादा असंयम, अपव्यय, फिजूल खर्ची। समाज की समस्याएं, ढेरों समस्याएं हमारे सामने हैं, पर इन समस्याओं का समाधान यदि पाना है तो हमें ज्ञान की शरण में जाना पड़ेगा। ज्ञान, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान उसको कहते हैं जो हमें ऊंचा उठने की कला सिखाए, ज्ञान वो जो हमें जीवन जीना सिखाए, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाए, और जीवन जीने की कला सिखा के हर चीज़ पर अपनी दृष्टि ऐसी रखे कि हम हर चीज़ को सही ढंग से ऑब्जर्व कर सकें। ऑब्जर्वेशन पावर हमारी शार बना दे वो ज्ञान, और वो ज्ञान कहाँ से आता है, वो ज्ञान अंदर से आता है। भगवान कहते हैं नहीं ज्ञाने न सदृश पवित्र में विद्यते, ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पर कुछ नहीं। ज्ञान का आदि स्रोत क्या है, हमारे भारतीयों से और हमारे हिंदू जाति के लोगों से पूछा जाता है, भाई सब क्रिश्चियंस की किताब बाइबिल है जिसको मानते हैं प्रमुख, और हमारे मुस्लिम भाइयों से पूछा जाता है आपकी कौन सी है, तो बोले कुरान। हिंदुओं से जब पूछा जाता है आपकी किताब कौन सी है प्रमुख, कोई कहता है हनुमान चालीसा, कोई कहता है गायत्री चालीसा, कोई कहता है सत्यनारायण कथा व्रत कथा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अरे एक मत पे आओ ना, वेद हमारे ज्ञानों के आदि स्रोत, ज्ञान का आदि स्रोत अपौरुषेय है ज्ञान, वेद, जहाँ से ज्ञान उद्भूत हुआ और जहाँ से ज्ञान निकला वो वेद है। विद यानी ज्ञान, जानना, विद यानी जानना, अपने आप को जानना। विद शब्द से वेद बना और वेद शब्द से हमारी उत्पत्ति हुई, वेद शब्द से हम सब आगे बढ़े हैं, और वेद की जननी कौन है, गायत्री, गायत्री मंत्र से ज्ञान की उत्पत्ति है। गायत्री महाशक्ति है और गायत्री महाशक्ति के माध्यम से ज्ञान का उद्भव, ज्ञान का विकास हुआ। ज्ञान नहीं होता तो हम गुफाओं में रहते और आग जलाते, चकमक पत्थर से आग जलाते और वही खाना बना रहे होते, एक जंतु से दूसरे जंतु को मार रहे होते, शिकार कर रहे होते, हम वहाँ जंगल में रहते। पर हमारे ज्ञान के माध्यम से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने अपने शरीर की काया की प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में विश्लेषण किया, एनालिसिस की, और पाया कि बहुत कुछ हमारे अंदर भरा पड़ा है, असीम वैभव हमारे अंदर है, अनंत वैभव, षट चक्र हमारे अंदर, पंचकोश, उपत्तिकाएँ, न जाने क्या क्या भरा पड़ा है। यदि हम अपने ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर झांकी देखें, अंतर जगत को हमने देखा ही नहीं, हम बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं। हमारे जीवन में इतनी प्रकार की जो गड़बड़ियाँ आई हैं उन गड़बड़ियों के लिए हम जिम्मेदार हैं। अज्ञान हमारा इतना ज़्यादा है कि अज्ञान के दायरे से बाहर निकलने का हम कभी सोचते नहीं। अज्ञान के दायरे से बाहर निकलना है तो सबसे पहले ज्ञान के दरवाजे खोलिए, और ज्ञान के दरवाजे खोल करके भारतीय संस्कृति की विराट मांग में से परिचित होइए, और अपने वेद के ज्ञान को जो बहुत ही सुगम बनाकर व्यक्ति परिवार ने प्रस्तुत किया, 3000 किताबें परम पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई, आप पढ़िए तो सही, हर चीज़ के ऊपर चिंतन। गायत्रीमय जीवन, यज्ञमय जीवन, गायत्रीमय जीवन यानी सद्बुद्धि प्रधान जीवन, सच्चिंतन, सच्चिंतन करें, श्रेष्ठ चिंतन करें। जैसा जिसका चिंतन होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनेगा। अगर आप हमेशा अच्छे विचारों में लीन रहेंगे, पॉजिटिव विचारों में लीन रहेंगे, तो आप हमेशा अच्छे बने रहेंगे। आप नेगेटिव विचारों में लीन रहेंगे, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा, आप हमेशा कहेंगे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा। आदमी सोच सोच कर जितना बीमार होता है आज, उतना वास्तविक कारणों से बीमार नहीं होता। यह अज्ञान, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, अपने आप के बारे में जानकारी का अभाव,
अपने अंदर की छिपी क्षमताओं का अभाव, सामर्थ्य की जानकारी का अभाव कि आपके अंदर कितनी सामर्थ्य भरी पड़ी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य अनंत सामर्थ्य का धनी है, ढेरों सामर्थ्य ढेरों शक्ति के स्रोत उसके अंदर भरे पड़े हैं। अरे जरा जगा के तो देखो, इतना कुछ भरा पड़ा है अपने अंदर कि उसको जगा लोगे तो अनंत गुना काम कर पाओ। कई बार लोग हमसे कहते हैं ना, आपके ऊपर गुरु की कृपा है इसलिए आप अपना काम करते। अरे गुरु की कृपा आप पर भी हो सकती है, हर एक के ऊपर हो सकती है, यदि आप अनुशासन में जीवन जिए। पतंजलि कहता है अथ योगानुशासनम, पतंजलि का पहला योग सूत्र कहता है। योग का मतलब क्या होता है? अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन योर वे ऑफ लाइफ। अनुशासित जीवन जिए। लोग कहेंगे अनुशासित जीवन जिएंगे तो जीवन का आनंद ही खत्म हो जाएगा। अरे भाई 24 घंटे का नियम तो बनाइए, कुछ कानून तो बनाइए। इस शरीर को बर्बाद कर रहे हो, रोज सुबह से लेकर शाम तक जीवनी शक्ति के स्रोत है उनको छूछ बना रहे हो और ग्रेजुअली अपव्यय के छिद्र को खोल रहे हो। तो अगर छलनी भरे पात्र में दूध दुहोगे तो क्या मिलेगा तुमको? जीवनी शक्ति को संरक्षित करना हम सबका काम है। समस्त समस्याओं का हल है आध्यात्मिक दृष्टि, स्पिरिचुअलिस्टिक विजन। आध्यात्मिक दृष्टि यदि जीवन में आ जाएगी तो हमारा जीवन का हर क्रियाकलाप व्यवस्थित संयमित चलने लगेगा। हम नियमित रूप से चलेंगे, नियमित रूप से व्यवस्थित रहेंगे, खान पान हमारा संयमित होगा, ज्ञान का अर्जन स्वाध्याय करने का क्रम हमारा संयमित व्यवस्थित होगा, हमारे सुबह से लेकर शाम तक की क्रिया पद्धति नियमित होगी। इसी को यज्ञ जीवन कहा गया, यज्ञमय जीवन। हमने यज्ञ को स्वाहा स्वाहा मान लिया। अरे हमारा जीवन का हर क्षण जीवन यज्ञमय होना चाहिए। यज्ञ मतलब परमात्मा के लिए जीना, स्वयं के लिए नहीं जीना। यज्ञ मतलब समाज के लिए जीना। यज्ञ अर्थात कर्मणो अंतर लोको एवं कर्मबंधन। यज्ञ का अर्थ होता है पर कर्म बंधन से मुक्त होना है तो औरों के लिए जियो, जो भी करो निष्काम भाव से करो। कई बार लोग कहते हैं कैसे करेंगे, तो आप बड़ा गलत बात बता रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भी न जाने कैसे कह दिया, फल कर्म का फल सौंप दे मुझको, काम कर। तो कर्म का फल लेके चलते ना तो बोझ सिर पे चढ़ जाता है, सिर पे बोझ आ जाता है। मैं कर रहा हूँ तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे ही आप कर्म का फल भगवान को सौंपते हैं और कहते हैं भगवान सफलता असफलता आपके हाथ में, अब आपको करना है, मैंने कर्म का फल आपको सौंप दिया, कर्म कराने की शक्ति आप मुझे देते रहना, आप देखना उस दिन से आपके काम करने की शक्ति 10 गुनी हो जाएगी। इम्पिटस मिलेगा, फोर्स मिलेगा और आपको इतनी वाइटलिटी मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप उस दिन से काम में लग जाएंगे और भगवान आपको श्रेय देंगे। भगवान श्रेय देने के तैयार बैठे। भगवान कहते हैं मैये एते निहिताः पुरुमेव, मैंने पहले से ही मार रखा है इनको, कौरवों को पहले से ही मार रखा है, ये तो निर्वीर्य खड़े हैं तेरे सामने, तुझे केवल बाण भर चलाना है, निमित्त मात्रम भविष्य साक्ष्य। हे अर्जुन तो निमित्त मात्र बन जा और निमित्त मात्र बनकर धनुष बाण का प्रयोग कर, लड़, तस्मे युद्धाय युद्धस्व, तो युद्ध कर और युद्ध करके इनको हरा दे, इनको परास्त कर। कौन है कौरव? हमारे अंदर बैठे विकार, मनोविकार, ये कौरव। पांडव कौन है? हमारे 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के साथ साथ हमारा मन, श्री कृष्ण जिनके साथ हमारा हृदय, ये पांडव है और ये कौरव है। कौरव पांडव के अंतर जगत का देवासुर संग्राम हमेशा जीवन हमारे जीवन में चलता रहता है। गीता हमारे जीवन में नियमित रूप से चलती रहती है। यदि हम उनको सही बना लें तो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं होता। देखो आप लोग गलत समझ जाते हो कई बार, डॉक्टर साहब कह रहे हैं आध्यात्मिक जीवन, डॉक्टर साहब ने तो आध्यात्मिक जीवन जी लिया, 30 साल से शांति कुंज में है और उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया। अब हर कोई थोड़ी बन सकता, हर कोई बन सकता है। आप जनक राज्य भी चलाते थे और राज्य चलाने से हल भी चलाते थे, तुलाधार वैश्य सिद्धि संपन्न था, एक बनिए की तरह से तराजू से तोलता था, सब कुछ करता था, पर ईमानदारी से तोलता था, सब कुछ काम करता था, भगवान का नाम भी लेता था, रैक वो करके था, एक गाड़ी चलाता था, गाड़ीवान, वो भी एक सिद्धि संपन्न व्यक्ति था। एक सामान्य व्यक्ति भी सारे काम कर सकता है। काम करते हुए अध्यात्मवादी बनोगे तो आप हमसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ बनोगे, क्योंकि आप काम भी कर रहे हो, भगवान के काम को जन जन तक पहुँचा रहे हो। आप अपना काम करने में बड़ा, विदेश जाता हूँ तो अपने परिजनों को देखता हूँ काम करने वालों को, कि शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी के मिलते हैं, वो शनिवार रविवार 2 दिन वो गुरुदेव का ज्ञान फैलाते हैं, कहीं यज्ञ कराते हैं, कहीं कर्मकांड कराते हैं, कहीं संस्कार कराते हैं, कहीं ना कहीं जाके उपदेश देते हैं, कहीं ना कहीं जाके गुरुदेव के विचारों को फैलाते हैं। मैं कहता हूँ तुम लोग भैया हमसे भी ज़्यादा बड़े ऊर्जावान, क्यों? क्योंकि हम तो 7 दिन करते हैं, क्योंकि गुरु का दिया हुआ काम है हमारे ऊपर, तो विशेष काम का दायित्व सौंपा है। पर आप तो 5 दिन के बाद 2 दिन आनंद के लिए मिलते हैं, आराम के लिए मिलते हैं, उन 2 दिनों में काम करते हो।
आप लोग भी ऐसे ही हो भैया, झोला उठाया गुरुदेव का और निकल गए ज्ञान बांटने के लिए। ज्ञान का विस्तार किए बिना कुछ नहीं होने वाला। आज आदमी को समझ नहीं है, पढ़े लिखे आदमी को समझ नहीं। IAS हो गया तो क्या, GM हो गया तो क्या, अरे कहीं का मेडिकल कॉलेज का डीन हो गया तो क्या, कहीं भी किसी हालत में कलेक्टर बन के बैठा है, पर जब हमारे सामने आते हैं तो सबके सब जब अपनी व्यक्तिगत बात करते हैं सब खुल जाता है। जीवन जीना नहीं आता, जीवन जीना नहीं आता। जीवन जीने की कला ना IAS में पढ़ाई जाती है, ना MD में पढ़ाई जाती है और ना इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। जीवन जीना, जीवन विज्ञान, लाइफ साइंसेस, ये अपने आप में बहुत ही अलग अलग चीज़ है और इसको जीवन में जिया जाए कैसे, महापुरुषों के ज्ञान के माध्यम। आज महापुरुष नहीं है आपके पास, स्वामी विवेकानंद नहीं है, रामकृष्ण परमहंस नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव नहीं है, महर्षि रमण नहीं है आपके पास, ढेर सारे महापुरुष नहीं है, पर आपके पास ज्ञान तो है उनका। ज्ञान से मार्गदर्शन लीजिए और ज्ञान से अपने जीवन को बदलने का प्रयास कीजिए। नहीं ज्ञाने न सदृश पवित्र में है विद्यते, पवित्र ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पर कुछ भी नहीं है। अगर आपने किसी को ज्ञान देकर उसके पैरों पर खड़ा कर दिया तो आपने जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ कर दिया। एक व्यक्ति को जीवन में जो पूरा आपका 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का जीवन बलिवेदी पर चढ़ा दीजिए, पर एक आदमी को खड़ा कर दीजिए, आप एक नहीं हजारों को खड़ा कर सकते हैं। आपके अंदर अनंत गुना सामर्थ्य ज्ञान के माध्यम से, और हमारा ज्ञान जो है ऋषियों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान सारे विश्व में फैलेगा, देखते देखते समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। ये समस्याओं का समाधान इतनी तेज़ी से होगा क्योंकि इसके साथ जो है बहुत सारे ऋषियों की चिंतन, ऋषियों की साधना जुड़ी हुई है। हिमालय में हजारों ऋषि बैठकर चिंतन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं केवल इसी काम के लिए कि भारत जैसे देश को मार्गदर्शन करना है और भारत की समस्याओं को सुलझाएंगे कैसे काम चलेगा। पॉलिटिकल प्रॉब्लम जितनी आपको दिखाई पड़ती हैं, करप्शन दिखाई पड़ता है आपको, मिसमैनेजमेंट दिखाई पड़ता है आपको, माल एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई पड़ता है, नॉन गवर्नेंस दिखाई पड़ती है, ये सारी ठीक हो जाएगी। चैनल में आपको गंदगी दिखाई पड़ती है, ये भी ठीक हो जाएगी। आप देखना, मैं बहुत आशावादी हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा उम्र का भी नहीं हुआ हूँ, आपके बीच में बैठा हूँ। मुझे आप 10-12 साल बाद मुझे गर्दन पकड़ के पूछ सकते हैं वो नहीं क्यों नहीं हुआ जो आप कह रहे थे, मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ मैं जो कह रहा हूँ वो होकर के रहेगा क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा। परिवर्तन जो है वो होकर के रहेगा क्योंकि वो होकर के रहेगा, उसको होना ही है। अब ये आपके ऊपर है कि निमित्त आपको बनना है कि नहीं बनना है, आप सोचिए। निमित्त आपको बनना है तो बन जाइए, निमित्त नहीं बनना है तो सोते रहिए घर में, मस्ती से घर में आराम से विश्राम करिए, आपको क्या दिक्कत है। लोग सोते ही हैं, सुबह देर से सो के उठते हैं, दिन भर से वो है ना कि आप जो है आराम बड़ी चीज़ है, जी भर के सोइए। उसके आगे मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं आराम के बारे में जानता नहीं जाता, मैं काम के बारे में जानता हूँ। तो काम ही एकमात्र हमारा जो है, कर्मयोगी बने पर कर्मयोगी के साथ साथ निष्काम कर्मयोगी बने और निष्काम कर्मयोगी बनकर भगवान का काम करें, भगवत चेतना को जन जन के बीच में पहुँचाने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि यही आने वाले युग का स्वरूप है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर के सारे विश्व की समस्याओं का समाधान करेंगे। अध्यात्म ही समस्त समस्याओं का समाधान है, और अध्यात्म कौन सा, परिष्कृत अध्यात्म। काम करने का काम आपका, बीज बोने का काम आपका, औरों के दिलों में भी बीज बोने का काम आपका। भगवान करे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, इस परिवर्तन के लिए अपनी तैयारी करें। ओम शरण। अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, कला और साहित्य मनुष्य के विचार और भावाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रहे हैं। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का प्रसार और जन सामान्य के जीवन में मूल्यों का समावेश इन विधाओं का मूल मकसद रहा है। लोक रंजन के साथ लोक मंगल का यह तरीका सदियों से हमारे समाज में प्रचलित रहा है। आज मीडिया के माध्यम से इसकी गति और तीव्रतर तथा प्रभावशाली हो गई है, किंतु साथ ही बढ़ती व्यावसायिकता के कारण कार्यक्रमों में मूल्य परक दृष्टि गौण या समाप्त प्राय होती जा रही है। कहना न होगा कि ये विधाएं अपने उत्तरदायित्व से चूक रही हैं। ऐसे में विचार क्रांति के उद्देश्य को लेकर संचालित शांति कुंज हरिद्वार ने अपने लोक रंजन से लोक मंगल अभियान के अंतर्गत इन विभिन्न कलाओं का उपयोग जन जागृति के लिए किया है। आइए देखते और सुनते हैं इसी उद्देश्य से शांति कुंज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीजन द्वारा तैयार की गई कुछ वीडियो और ऑडियो सीरीज को। Thank you.
विचार क्रांति के माध्यम से जन सामान्य के जीवन में आध्यात्मिक सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित कर मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लक्ष्य को लेकर गतिमान शांति कुंज की गतिविधियों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत है वीडियो सीडी संजीवनी विद्या में। हिमाच्छादित पर्वत चोटियों से विनिर्मित कंदराओं, उपत्यकाओं, फूलों की घाटियों व शीतल अमृतोपम जल से आर्यावर्त को सींचने वाली पवित्रतम सरिताओं का उद्गम केंद्र है पर्वतराज हिमालय। ऋषि मुनि यहां आकर आत्मबल संवर्धन हेतु कठोर तपश्चर्या करते रहे हैं। वे अपनी काया रूपी प्रयोगशाला में विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान कर जिन निष्कर्षों पर पहुंचते थे उनसे जनजन को भी लाभान्वित करते थे, परंतु आज वह परंपरा लुप्त हो गई है। प्रत्यक्षवाद ही सब कुछ है। आत्म की, अध्यात्म, धर्म धारणा की दुहाई तो दी जाती है, पर उसका प्रत्यक्ष परिणाम न दिख पड़ने के कारण उसका अवलंबन करते कम ही देखे जाते हैं। युग ऋषि पूज्यवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने आज की परिस्थिति का बड़ी गहराई से विश्लेषण कर इसे आस्था संकट नाम दिया तथा देवात्मा हिमालय के द्वार पर पवित्र नगरी हरिद्वार में सप्त सरोवर क्षेत्र में साधना पुरुषार्थ सामान्य जनों द्वारा किए जाने हेतु शांति कुंज आश्रम की स्थापना की। साधना सत्र प्रतिमाह 1-9, 11-19 तथा 21-29 तारीखों में नियमित रूप से वर्ष भर चलते हैं। लाखों प्रज्ञा परिजनों का यह गुरुद्वारा है, तो नित्य नए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह एक आकर्षण का केंद्र है। भारतीय इतिहास पुराणों में ऐसी अगणित कथाएं हैं जिनमें मनुष्य के सम्मुख आने वाली अनेकानेक समस्याओं के समाधान विद्यमान हैं। कथानकों की यह विशेषता रही है कि इनके माध्यम से गूढ़ ज्ञानपरक विचार और दार्शनिक विवेचनाएं भी बाल वृद्ध नर नारी शिक्षित अशिक्षित सभी की समझ में आ जाते हैं। कथा साहित्य की इतनी अधिक लोकप्रियता का कारण यही है। इसीलिए प्राचीन काल में पुराणों की रचना भी की गई थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पूज्य गुरुदेव ने आज के मानव समाज से जुड़ी समस्त समस्याओं के समाधान हेतु प्रज्ञा पुराण की रचना की है। इस प्रज्ञा पुराण कथा के कुछ अंश हमारी वीडियो सीरीज में उपलब्ध हैं, अन्य अंश जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे। गणेशाय नमः, श्री गायत्री देव्यै नमः, श्री मन्महाकालाय नमः, श्री प्रज्ञापुराणाय नमो नमः। एकदा तु हरिद्वारे कुम्भपर्वणि पुण्यदे पर्वस्नानस्य संजातः समारोहोत्र धार्मिकः देशांतरद संख्यास्ते सद्गृहस्थाश्च संगताः अवसरे च शुभे सर्वे पुण्यलाभाप्ति काम्यया। इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है।
भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है। ऐसे रत्नों की खान हमारे जीवन में विद्यमान है, फिर भी हम रंक बने हुए हैं, दुखी हैं। एक बार एक गृहस्थ व्यक्ति एक महात्मा जी के पास में आया। कहने लगा, महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूँ, घर से बड़ा परेशान हूँ, घर में मन नहीं लगता, बाप हमेशा गाली देता रहता है, पत्नी हमेशा धिक्कारती रहती है, भाई बहन लड़ते रहते हैं, मैं तो सन्यास लेना चाहता हूँ, आप मुझे सन्यास की दीक्षा दें। महात्मा जी उसकी चाल समझ गए कि ये निकम्मा नाकारा अपने उत्तरदायित्व से भागना चाहता है। तो महात्मा जी का अच्छा ठीक है, आज रात में 12 बजे तुम मेरे पास आना, मैं तुमको सन्यास की दीक्षा। मनु मथुरा दिल द्वारिका साया काशी जा, ओ मनु मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जा, घर में तेरे रहत है बाल रूप भगवान कबीरा, बाल रूप भगवान घर में तेरे रहत है बाल रूप भगवान, बाल रूप भगवान। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, पड़ी जाए रही माँ जुड़े गाते पड़ी जाए। अध्यात्म दर्शन भारत की आत्मा है। भारतीय जनजीवन के प्रत्येक पहलू पर आध्यात्मिक मूल्यों की छाप दिखाई देती है। अध्यात्म के ध्रुव केंद्र के रूप में देवात्मा हिमालय के साथ महाशक्ति कुंडलिनी, आयुर्वेद, शाकाहार, बहुदेववाद के पीछे छुपे दर्शन आदि की जानकारी आपको मिलेगी हमारी वीडियो सीडी अध्यात्म दर्शन में। भारतीय संस्कृति में सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ गायत्री को माता और यज्ञ को पिता का दर्जा दिया गया है। ध्यान और योग यहाँ की जीवन शैली में समाहित रहे हैं। गायत्री, यज्ञ, ध्यान और योग का तत्व दर्शन आप पाएंगे हमारी वीडियो सीडी संस्कृति दर्शन में।
युग निर्माण योजना मिशन के अधिष्ठाता युग दृष्टा पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने धर्म और अध्यात्म के गूढ़ तत्वों को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत कर अनेकों की जीवन दिशा बदली है, इन युग ऋषि की अमृतवाणी आप सुन सकते हैं हमारी वीडियो सीरीज अमृतवाणी पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भाग 1, 2, 3, 4 और 5 में। ये निश्चय किया है कि गांव-गांव में हम शिक्षा का प्रचार करेंगे, गांव-गांव के लोगों से ये प्रतिज्ञा एक रुपये कराएंगे कि हम समय देंगे और समय दान दे करके बाकी गांव के लोगों को पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा की हमने जिम्मेदारी ली है, बाल संस्कारशाला की हमने जिम्मेदारी ली है, महिला शिक्षा की हमने जिम्मेदारी ली है। पूज्य गुरुदेव की साधना संगिनी तथा युग निर्माण मिशन के लाखों परिजनों की ममतामयी माँ, जिनके स्नेह और वात्सल्य से प्रत्येक परिजन पोषित हुआ है, इन वात्सल्यमयी माँ की अमृतवाणी प्रस्तुत है हमारी वीडियो सीरीज अमृतवाणी परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा भाग 1, 2 और 3 में। पीड़ा और पतन में जो झुलस रहे हैं उनके भी हमको आंसू पहुंचने हैं और उसके लिए हमको करना है। मैं पहले आपसे कह चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको दोहराए देती हूँ कि क्या क्या मैंने बात कही। मैंने एक तो कहा यहाँ के विस्तार की बात कहा, तो मिशन का विस्तार किस सीमा तक होना चाहिए। देव संस्कृति को घर घर हमको पहुँचाना है, अलग जगाना है, हमको हर घर में जाना है। सारे विश्व में ये बगीचा फैलता हुआ चला जाएगा। उन्होंने एक पौधा हमारे हाथ में थमाया बड़े विश्वास के साथ और बड़ी आशा के साथ। उन्होंने ये कहा कि हमारे बाद जो काम करेंगे हमारे बच्चे करेंगे। सौमती अमावस्या थी और लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। रैदास से कहा कि चलो आप भी गंगा स्नान के लिए चलो। उन्होंने कहा लो मेरे फूल मेरी माँ को अर्पण कर देना और कहना रैदास आज व्यस्त है, वो आ नहीं पाया। और लोग गए, सबने भेंट चढ़ाई, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने दीपक चढ़ाया, सब अपने आनंद थे। लेकिन अंत में जब जो फूल रैदास ने दिए थे उन्होंने जब अर्पण किया, उन्होंने कहा कि माँ, उन्होंने कहा है, रैदास ने कहा है कि मेरी माँ को मेरे फूल अर्पण करना और मेरी माँ हाथों में लेगी। यही हुआ। जैसे ही रैदास का शब्द आया कि दोनों हाथ गंगा ने निकाल दिए और वो फूल उसने अपनी अंजलि में ले लिए गंगा माँ ने। ये होती है उपासना। द्रौपदी रो रही थी, कह रही थी कि मेरे 5 पांडव जो योद्धा माने जाते हैं आज वो आत्महीनता से इतने ग्रसित हैं कि न वो अपनी तलवार को उठा सक रहे हैं जिसने कि महाभारत को जीतने में सफल हो सकते हैं। आगे चल करके वो सफल हुए। अर्जुन से लेकर और भीम से लेकर ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे लेकिन निष्क्रिय बैठे थे और वो रो रही थी। उसकी आवाज, द्रौपदी की आवाज जब कृष्ण ने सुनी तो नंगे पांव दौड़े आए। उन्होंने कहा कि मेरे भक्त पर आपत्ति आ रही है। तो उसने कहा कि क्या बात है द्रौपदी। उन्होंने कहा कि भगवान मेरी लाज लुटी जा रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा बचाऊंगा तो जरूर, पर मैं ये देखता हूँ क्या बही खाते में तेरा कहीं पुण्य का जमा खर्च है क्या। हमको क्षणिक लाभ ही दिखाई पड़ता है, हमको पारलौकिक जो संपदाएं हैं वो हमको नहीं मालूम पड़ती। विश्व मानव के रूप में जो भगवान है इसकी सेवा हमको दिखाई पड़ती नहीं, इसको नहीं दिखाई पड़ती। योग एक जीवन पद्धति है जो हमें शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करती है। योगासन और प्राणायाम आदि द्वारा हम किस तरह स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकते हैं इसकी जानकारी संजोए है हमारी वीडियो सीडी योग और स्वास्थ्य।
युगद्रष्टा युग पुरुष वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का संपूर्ण जीवन परिचय आप पा सकते हैं वीडियो सीडी युग पुरुष में। गंगा और गायत्री दोनों भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व रखते हैं। दोनों ही ने इस राष्ट्र की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गायत्री मंत्र करोड़ों व्यक्तियों को सन्मार्ग पर चलने की आदिकाल से प्रेरणा देता आया है एवं भागीरथ के तप से अवतरित गंगा जन जन की गहन श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है। आज एक और विशिष्ट अवसर इन दो महापर्वों के साथ उपस्थित हुआ है, वो है सप्त ऋषियों की तपस्थली सप्त सरोवर में स्थित विश्व भर में फैले प्रज्ञा परिजनों के आराध्य गुरु वेदमूर्ति युग दृष्टा युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का स्थूल शरीर के बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मलीन होना। शांति कुंज वो तपस्थली है जिसे नूतन सृष्टि के सृजेता इस युग के विश्वामित्र ने अपनी कठोर साधना द्वारा विगत 20 वर्षों में ऊर्जा से अनुप्राणित कर करोड़ों व्यक्तियों के मन को मत कर उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, दिव्य संरक्षण प्रदान किया एवं अपना ममत्व उन पर लुटाया। उनकी अर्धांगिनी तपश्चर्या में सहभागिनी माता भगवती देवी गायत्री जयंती के दिन प्रातःकाल की वेला में संबोधित कर रही हैं। जिस तरीके से दधीच जी ने अपनी हड्डियां दी थी, हड्डियां तो बेटे इसी मायने में उन्होंने दे डाली हैं, हड्डियां कहाँ हैं। सारी जिंदगी उन्होंने किस कदर इस मिशन को मेहनत करने में और इस फुलवारी को बनाने में लगाया है, ये आपके सुपुर्द ये कर दिया है। शरीरों का तो क्या है, अब जाने वाला जाएगा, अब नहीं जाएगा फिर जाएगा। जिस तरीके से गायत्री माता और गुरु जी को छाती से लगाए रहते हैं, हर समय लगाए रहते हैं, आपको भी इसी तरीके से लगाए रहेंगे, आप विश्वास करना। पूज्य गुरुदेव की एकांत साधना में जाने से पूर्व वे दोनों साथ साथ आते, परिजनों को संबोधित करते और प्यार भरी मुस्कान बिखेरते जाते। माता जी अगर हम दो हैं नहीं दो नहीं मालूम पड़ता है। अर्ध नारी नटेश्वर का की छवि एक देखी थी हमने कि जिसमें शंकर जी जो थे आधे शंकर जी थे और पार्वती जी आधे थे। हम और दो का वास्तव में इसी तरह का हो गया। हम दोनों में भिन्नता रह गई है, नहीं भिन्नता नहीं, हृदय में भिन्नता रह गई है, न वाणी में भिन्नता रह गई है, न मन में भिन्नता रह गई है, न कहीं भिन्नता रह गई है। गुरु जी से कभी आप मिल लें या प्रणाम कर लें तो आप ये मान लेना गुरु जी को प्रणाम कर लिया। माता जी को प्रणाम करना गुरु जी को प्रणाम करना है, गुरु जी को प्रणाम करना गायत्री माता को प्रणाम करना। इनके अलावा प्रज्ञा सुमन प्रसुप्ति से जागृति की ओर, होलिस्टिक एवं योगा मैनेजमेंट, जोनल और युवा चेता कार्यशालाओं एवं अन्य कार्यक्रमों की 200 से अधिक वीडियो सीरीज उपलब्ध हैं। ऑडियो सीरीज और MP3 के क्रम में गायत्री महामंत्र, ध्यान साधना, गायत्री मेडिटेशन ऑन चक्रास की ऑडियो सीरीज तथा मणिमुक्तक, गुरु गोविंद दोउ खड़े और क्रांतिनाथ आदि नामों से गीतों की MP3 और ऑडियो सीरीज के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के कुछ दुर्लभ प्रवचनों की MP3 भी उपलब्ध हैं। ये सभी CDs, MP3, DVDs और कैसेट्स हमारे समस्त स्थानीय विस्तार पटल, गायत्री शक्तिपीठों, प्रज्ञा पीठों, ज्ञान रथों पर उपलब्ध रहती हैं। अन्यथा आप शांति कुंज के कैसेट स्टॉल से फोन, ईमेल, फैक्स आदि के द्वारा संपर्क करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01334-260-602, फैक्स नंबर है 01334-260-866, ईमेल एड्रेस है शांतिकुंज@awgp.org।
www.gitanjali.org। विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट लॉग ऑन करें www.awgp.org। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की।